क्या हालचाल दोस्तों। तो हमारी इंडिया इज अनस्टॉपेबल टीम, चाहे वो क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, ओलंपिक हो, हॉकी हो या कुछ भी स्पोर्ट्स हो, यानी कि हमारे इंडिया के हर एक खिलाड़ी ने मान लिया है कि हम किसी भी जगह पे जाएंगे तो जीते बिना वापस नहीं आएंगे। तो मैं बता दूं कि हमने एक दिन पहले ही हॉकी का मैच का वीडियो बनाया था, यानी कि जो हीरो एशियन चैंपियनशिप जो चल रही है वहां पे हमारी इंडिया टॉप पोजीशन पे, और कल था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हॉकी का मैच। और कल हमको क्या देखने को मिला है, आप बिलीव नहीं कर सकते कि इंडिया ने पाकिस्तान को 2-1 गोल से हराया, यानी कि इंडिया ने 2 गोल्स किए थे और पाकिस्तान को सिर्फ एक ही गोल करने दिया। और आखिरी टाइम तक हमारे बंदों ने इतना डिफेंसिव खेला है और इतना अटैकिव खेला है कि पाकिस्तान को एक भी मोमेंट नहीं दिया है गोल करने का। और आप समझो कि हमारे खिलाड़ी जो है हरमनजीत सिंह, जिन्होंने ओलंपिक में तो अपना दबदबा बनाया था, वो अभी एशियन चैंपियनशिप में भी अपना दबदबा बना रहा है, यानी कि 2-2 गोल्स, यानी कि इंडिया के जो टोटल गोल्स है वो सिर्फ और सिर्फ उनके ही नाम है, यानी कि 2 गोल्स जो जिन्होंने किए वो है हमारे हरमनजीत, जिन्हें लोग प्यार से सरपंच जी भी बुलाते हैं। और उनकी कंधों के भरोसे पूरे इंडियन टीम ने कल जीत हासिल कर ली और पाकिस्तान को झुके मुंह वापस जाना पड़ा है। तो आप समझो कि हमारी इंडियन टीम का दबदबा पूरे एशिया में नहीं पर पूरे वर्ल्ड में कितना है, यानी कि ओलंपिक जैसे स्तर पे ब्रॉन्ज मेडल जीत के आना और टॉप 3 की पोजीशन पे आना वो बहुत बड़ी बात है। और उसमें से काफी सारे प्लेयर्स ऐसे भी है जिन्होंने अपना 100% दिया है, पर हमारे इंडियन टीम में हर एक किसी का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक टीम के प्लेयर साथ होंगे तो हमारा जीत यानी कि विक्ट्री पक्की है। जैसे कि हम इंडिया में सिर्फ क्रिकेट को महत्व देते हैं, पर इस ओलंपिक 2024 के बाद हम अब हर एक स्पोर्ट्स को एक जैसा ही मायना दे रहे हैं। क्योंकि मैंने सोचा था इस बार के हम सिर्फ क्रिकेट को नहीं, ओलंपिक आ रहा है तो ओलंपिक के हर एक मैच को हम डिस्कवर करेंगे और अपना रिव्यू देंगे और जिस लोगों ने मेडल्स जीते उनकी सराहना करेंगे। तो मेरा ये सोच बहुत बढ़िया रही है और आप सबने भी बहुत प्यार दिखाया, तो आपको भी थैंक यू। और जो आप न्यू व्यूअर्स हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल। एंड 2-1 के गोल से हराने के बाद अब इंडिया सेमीफाइनल्स में आ चुकी है और सेमीफाइनल में कल उनका मुकाबला कोरिया के साथ होने वाला है। तो आई होप सो कि वो कोरिया के सामने जीत जाए और फाइनल में यानी कि 17 सितंबर को चाइना में अपना तिरंगा लहराए और गोल्ड के साथ वापस आए। तो बहुत एक्सपेक्टेशन है टीम इंडिया के साथ, तो आप भी कॉम्बिनेशन करिए सोशल मीडिया और काफी सारे ट्रेंडिंग मूवमेंट के साथ। तो हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन सी यू टाटा, बाय बाय। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, लेट्स गो।